हेलो एवरीवन, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने क्या था, इंट्रोडक्शन टू मेमोरी, जिसमें मेन हमने क्या था, टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड हायरार्की ऑफ मेमोरी, राइट। सो इस ट्यूटोरियल में हम करेंगे व्हाट इज कैश मेमोरी, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और वो कैसे वर्क करती है। सो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज कैश मेमोरी। आप सबको हायरार्की डायग्राम याद है, ये हमारा प्रोसेसर था, दिस वॉज आर कैश मेमोरी, उसके बाद थी हमारी मेन मेमोरी, इसमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है सबका, और फिर सबसे बड़ी थी आपकी सेकेंडरी मेमोरी, राइट। नाउ जो कैश मेमोरी है आपकी, वो स्मॉल इन साइज, छोटी होती है, प्लस हाई स्पीड मेमोरी होती है। हमने यही किया था, इसका साइज छोटा होता है, स्पीड अच्छी होती है, प्लस वो कॉस्टली होती है, एक्सपेंसिव होती है, राइट। और इसको हम यूज करते हैं फ्रिक्वेंट डेटा के लिए, क्योंकि वो एज अ बफर वर्क करती है। इट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी, ये हम लास्ट भी कर चुके हैं। एंड इट होल्ड्स द डेटा एंड प्रोग्राम विच आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय द सीपीयू, क्योंकि इसमें स्पीड ज्यादा होती है, इसलिए इसमें हम वो डेटा डालते हैं जो सीपीयू को बार बार चाहिए, ताकि उसमें हमारा टाइम बच जाएगा, क्योंकि सीपीयू जल्दी से एक्सेस कर लेगा कैश मेमोरी से, राइट। नाउ एडवांटेजेस क्या है कैश मेमोरी के, फर्स्ट है कि फास्ट होती है मेन मेमोरी से, इसलिए हम इसका यूज करते हैं, प्लस इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम का मतलब है उस तक पहुंचने में हमें कितना टाइम लगता है, क्योंकि वो प्रोसेसर के पास है इसलिए उसमें लेस एक्सेस टाइम है। सेम वे जो प्रोसेसर से दूर है उसमें ज्यादा एक्सेस टाइम होता है ना। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, नुकसान क्या है हमें कैश मेमोरी यूज करने के, फर्स्ट इसमें साइज छोटा होता है, छोटी होती है, लिमिटेड कैपेसिटी होती है। सेकेंड इज वो कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, ये दोनों हमारे डिसएडवांटेज है कैश मेमोरी के, ठीक है। ओके, ये सिंपल था, बेसिक था। नाउ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ कैश मेमोरी। नाउ कैश मेमोरी हमारे पास थ्री टाइप्स की होती है, L1, L2 एंड L3, ठीक है। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ कैश मेमोरी, उनको डिस्कस कर लेते हैं। L1 को हम बोलते हैं Level 1 कैश, L2 इज योर Level 2 कैश, L3 इज योर Level 3 कैश, ठीक है। L1, Level 1 नाम से पता चल रहा है, सो ये हमारा है फर्स्ट लेवल, L2 इज सेकेंड लेवल एंड L3 इज योर थर्ड लेवल ऑफ कैश। थ्री टाइप्स की है, सो इसका मतलब थ्री लेवल्स है इसके अंदर। नाउ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज दिस L1 कैश इज प्रेजेंट इनसाइड द CPU। अगर मान लो ये हमारा CPU है, सो इस CPU के अंदर ही होती है L1 कैश। L2 कैश जो है वो CPU के अंदर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है, इट कैन बी प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड द CPU। सो सपोज ये हमारा CPU है, सो वो माइट बी पॉसिबल कि वो CPU के साथ ही लगी हुई है, या फिर सीपीयू के बाहर भी हो सकते हैं, इसमें एक्सेप्शन होता है। जो L3 कैश है, Level 3 कैश है, वो हमेशा सीपीयू के बाहर ही होती है, सीपीयू के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। सो अगर हम बॉक्स एक सीपीयू बना रहे हैं, तो L3 आपके आ जाएगी सीपीयू से बाहर, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट इज देखो, जो L1 कैश है वो हमेशा सीपीयू के अंदर है, और मैंने बताया था आपको जो भी प्रोसेसर के सबसे पास है वो उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। अब क्योंकि वो सीपीयू के साथ ही लगी हुई है, तो इसकी स्पीड भी सबसे ज्यादा है, जितनी आपके सीपीयू की स्पीड होती है, सीपीयू बहुत फास्ट होता है, उतनी ही इस कैश की स्पीड होती है। सो L1 कैश इज योर फास्टेस्ट कैश, सबसे ज्यादा फास्ट होते हैं इन तीनों में। जो L2 कैश है वो L1 से स्लो होती है, क्योंकि अगर L2 हमारी सीपीयू के बाहर लगी हुई है, तो ऑब्वियसली वो धीरे वर्क करेगी, प्रोसेसर से दूर हो जाएगी। और L3 कैश इन दोनों से स्लो होती है। सो अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू बनाएं, तो हम बना सकते हैं, अगर ये हमारा प्रोसेसर है P, L1 तो इसके अंदर ही है तो ये फास्ट है, L2 आपकी बाहर हो सकती है और L3 इससे भी दूर। सो L1 की जो स्पीड है सबसे ज्यादा है, L2 की स्पीड L1 से कम है बट L3 से ज्यादा है, और L3 की स्पीड इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे कम है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ईच कोर ऑफ सीपीयू हैव इट्स ओन Level 1 कैश। नाउ कोर का मतलब क्या है, एक सीपीयू के बहुत सारे कोर हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोसेसर्स हो सकते हैं, ठीक है।
अगर एक सीपीयू के 4 कोर्स हैं, 4 कोर बने हुए हैं लाइक दिस 1, 2, 3, 4, तो जितने भी कोर हैं उनकी अपनी अलग अलग L1 कैश होगी, ठीक है। L2 कैश में क्या है, जितने भी कोर है सीपीयू के उनके सबकी अलग भी हो सकती है और एक सिंगल L2 कैश भी हो सकती है। सो फॉर एग्जांपल अगर उसमें 4 कोर बने हुए हैं तो ऐसा भी हो सकता है एक सिंगल हमने L2 कैश बना दी और वो चारों इसको शेयर कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है सबकी अपनी अलग है। एंड लास्ट इज L3। L3 में हमेशा शेयर्ड होती है, एक सिंगल L3 कैश होती है और सारे उसको शेयर करते हैं। ओके, सो ये थी हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश मेमोरी। नेक्स्ट हम करते हैं कैश वर्क कैसे करते, काम कैसे करते कैश मेमोरी। तो देखो सबसे पहले हमारा प्रोसेसर, प्रोसेसर के अंदर ही है आपकी L1 कैश, वो मैंने अंदर ही मार्क कर दिया है। हमने मान लिया L2 आपकी बाहर बनी हुई है और L3 बनी हुई है, ठीक है। L2 हमेशा ज्यादा क्लोज होती है प्रोसेसर से एज कम्पेयर टू L3, ठीक है। ये तीनों हमारी कैश आ गई, L1, L2, L3। यहाँ हमारी L1 है प्रोसेसर के अंदर ही, ठीक है। उसके बाद कैश के बाद होती है हमारी मेन मेमोरी, इसको मैं डिनोट कर रही हूँ MM से। और सबसे लास्ट में है आपकी सेकेंडरी मेमोरी SM, ठीक है। अब वर्क कैसे करते हैं, देखो प्रोसेसर है एग्जीक्यूट कर रहा है, जब भी उसे डेटा चाहिए होता है वो सबसे पहले जाएगा L1 कैश के पास। L1 कैश के पास वो चेक करेगा क्या वो डेटा जो हमें चाहिए वो L1 के पास है, अगर है तो फटाफट ले लेगा, स्पीड अच्छी है क्योंकि वो प्रोसेसर के पास है, ठीक है। जब भी आपको डेटा कहीं पर मिलता है उसको हम बोलते हैं हिट, और जब डेटा नहीं मिलता उसको हम बोलते हैं मिस, ठीक है। बहुत क्लियर सा नेम है हिट एंड मिस, ठीक है। प्रोसेसर ने L1 के पास चेक किया क्या जो डेटा चाहिए वो है, तो हिट हो गया L1 पर ही, आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो डेटा L1 के पास नहीं है तब हम जाएंगे L2 के पास, फिर चेक करेंगे क्या L2 के पास वो डेटा है जो हमें चाहिए, नहीं मिला तो हम जाएंगे L3 के पास, अगर मिल जाता तो वहीं पर स्टॉप करते। अगेन हम L3 पर चेक करेंगे क्या जो डेटा हमें चाहिए वो L3 के पास है, यस वहीं पर स्टॉप कर जाएंगे, जल्दी से डेटा मिल गया हमें। बट अगर उसके पास नहीं मिलता, मिस होता है, तो हम जाते हैं मेन मेमोरी के पास, ठीक है। फिर मेन मेमोरी के पास चेक करता, सेम प्रोसेस फॉलो होता है आपका, क्या मेन मेमोरी के पास वो डेटा है, अगर मेन मेमोरी के पास वो डेटा है तो वो हम प्रोसेसर को दे देते हैं, बट अगर मेन मेमोरी के पास डेटा नहीं है तो हम जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी के पास, ठीक है। फिर सेकेंडरी मेमोरी से डेटा पहले मेन मेमोरी के पास आता है, मेन मेमोरी से कैश के पास आता है और कैश से प्रोसेसर के पास आता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा तरीका होता है, 1 by 1 सबके पास जाते हैं, जो पहले सबसे पास है उससे पूछते हैं, उसके पास नहीं है तो थोड़े दूर वाले के पास, फिर थोड़े और दूर वाले के पास, और हम होप करते हैं कि जो पास में है उसके पास डेटा मिल जाए। अगर पास में हमें डेटा मिल जाता है, L1 या L2 के पास मिल जाता है, तो हमारा प्रोग्राम बहुत स्पीडली एग्जीक्यूट होता है क्योंकि हमारा एक्सेस टाइम डिक्रीज हो जाता है, जल्दी से एग्जीक्यूट होता है। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस हाउ कैश वर्क, कैसे प्रोसेसर कैश से डेटा लेता है, ठीक है। कैश में हम हमेशा वो डेटा डालते हैं जो प्रोसेसर को बार बार चाहिए, फ्रीक्वेंटली चाहिए, ताकि हमें बार बार दूर ना जाना पड़े, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली यूज डेटा कैश में डालते हैं, कैश में टेम्पोरेरीली डेटा स्टोर होता है, फाइनल जो आपको जब पूरा काम कर लोगे जो डेटा स्टोर करोगे फाइनली, वो हमेशा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं। ये हमने पहले भी किया था, ये हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। ओके, सो आई होप आपने कुछ नया सीखा है, आपको कैश मेमोरी समझ आ गई है। अगर आपका कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी एनी टाइम, एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।